हेलो फ्रेंड्स, गर्मी का मौसम अपने पूरे जोरों पर है और इस तपते मौसम में हमें हमेशा कुछ ठंडा ठंडा पीने का मन होता है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ पुरानी दिल्ली का बहुत ही फेमस मोहब्बत का शरबत। गर्मी के मौसम में यह शरबत ठंडक का एहसास दिलाता है। इसे हम लोग तरबूज और रुआबजा एवं ठंडे दूध के साथ बनाते हैं, जिसे बनाना बहुत आसान है और पीने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। इसके आकर्षक गुलाबी रंगत की वजह से इसे मोहब्बत का शरबत नाम दिया जाता है। तो आइए आज हम लोग बनाते हैं पुरानी दिल्ली का बहुत ही प्रसिद्ध ठंडा ठंडा कूल कूल मोहब्बत का शरबत। इसके लिए यह मैंने एक तरबूज लिया है, तो हम आधे तरबूज का इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें से आधा तरबूज हम काट लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आधे तरबूज को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब मैं इसे मिक्सर में डालकर इसे ब्लेंड कर लूँगी। तो यहाँ मैंने तरबूज के पीसेज को मिक्सर में डाला। अब हम इसमें डालेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी। तो इतने तरबूज के लिए 2 टीस्पून शुगर काफ़ी हैं। अब हम इसे पीस लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने तरबूज को मिक्सर में डालकर अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब मैं इसे किसी स्ट्रेनर पे डालकर छान लूँगी, जिससे कि इससे बीज वगैरह जो होंगे वो निकल जाएंगे। तो ये इसके बीज निकल गए हैं, बस हो गया। तो ये हमारा वाटरमेलन का फ्रेश जूस तैयार हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे एकदम ठंडा चिल्ड दूध। तो यहाँ मैंने आधा वाटरमेलन के लिए लगभग 2 गिलास ठंडे दूध का इस्तेमाल किया है। आप दूध अपने पसंद के अनुसार थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तरबूज अपने पसंद के अनुसार थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 या 2 बड़े चम्मच रुआबजा। रुआबजा भी आप अपने स्वाद के अनुसार थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर आप रुआबजा ज़्यादा डालना चाहते हैं तो चीनी की मात्रा कम रखें, क्योंकि रुआबजा भी मीठा होता है। रुआबजा डालने से इसका कलर बहुत ही खूबसूरत आएगा, ये आप देख सकते हैं। अब आप चाहें तो इसे एक बार फिर से ब्लेंड कर सकते हैं या फिर इसे ऐसे ही सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे तरबूज वाले मिक्सर में ही डाल के एक बार फिर से ब्लेंड कर लूँगी, जिससे कि सभी अच्छे से आपस में मिक्स हो जाए और इसका टेक्सचर भी फिर बहुत ही स्मूदिंग लगता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इसे ब्लेंड कर लिया है और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत दिख रहा है। अब हम इसे सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए एक ग्लास में इसे डालेंगे। ऊपर से वाटरमेलन के एकदम छोटे छोटे पीसेस से गार्निश करेंगे। इस शरबत में वाटरमेलन के छोटे छोटे पीसेस बहुत अच्छे लगते हैं। तो फ्रेंड्स, तैयार है ठंडा ठंडा कूल कूल मोहब्बत का शरबत। देखने में जितना खूबसूरत व आकर्षक, पीने में उतना ही ज़्यादा स्वादिष्ट। तो इस गर्मी के मौसम में एक बार आप लोग भी अवश्य ट्राई करें और बताएं आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, पसंद ना आई हो तो डिसलाइक करें, पर कमेंट करके अपने फीडबैक अवश्य दें। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कॉमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।